वालेकुम अस्सलाम। अब पीएमसी ने कह दिया है कि यूएचएस टेस्ट लेगा एनएमडी कैट का पंजाब में, तो मैं बता देता हूँ कि उसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की, तो वो आपने अपने बोर्ड की बुक्स ही पढ़नी है। लाइक जो आप पहले पीएमसी के एनएमडी कैट के लिए पढ़ रहे थे, तो आपने फिज़िक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए वही अपने ही बोर्ड की बुक्स करनी है। उसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें, तो अब इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज आया है, उसकी वजह से लाइक अगर यूएचएस टेस्ट लेगा तो पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, तो इंग्लिश को आपको थोड़ा अच्छे से लेवल पर करना पड़ेगा। लाइक बुक्स वगैरह तो वही होंगी, लेकिन जो इंग्लिश है ना, इसको मज़ीद थोड़ा रोज़ की प्रैक्टिस आपको पढ़नी पड़ेगी, और ज़्यादा जनरल इंग्लिश नहीं करनी जिस तरीके से आप पहले ज़्यादा जनरल कर रहे थे। मतलब इस पर आप जनरल से थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स लेके चलें, उसके रोज़ वगैरह की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि यूएचएस में रूल्स आ जाते होते हैं। ये तो होगी इंग्लिश की बात। तो अगर हम बात करें इसके बाद बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा बच्चों को इशू आ रहा था कि बायोलॉजी के लिए सर कौन सी बुक्स पढ़ें। तो पहले अगर पीएमसी टेस्ट ले रहा था, लाइक कंप्लीट एक टेस्ट पूरे पाकिस्तान में होना था, तो अब क्या होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेंगी, तो जाहिर सी बात अगर यूएचएस टेस्ट लेगी तो वो पंजाब में लेगी, अगर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी तो उनका सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में टेस्ट होगा। लाइक अगर यूएचएस ने टेस्ट बनाना है तो वो सिर्फ पंजाब के बनाएगी, मतलब हर सूबे की यूनिवर्सिटी ना अपना टेस्ट बनाएगी। तो उससे क्या होगा कि मोस्टली आपकी अपने ही प्रोविंस की बुक्स को फॉलो किया जाएगा, मोस्टली या 95% 99% तक ट्राई यही होगी कि आपके अपने बोर्ड की बुक्स को फॉलो किया जाए। तो आपकी जो बायोलॉजी है ना, इसके लिए आपका जो है मेन फोकस, अगर आपका पंजाब से है तो पीटीपी पे होना चाहिए, फेडरल से है तो फेडरल पे होना चाहिए। और पहले जिस तरीके से पंजाब के स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी एनएमडी कैट के लिए, एनएमडी कैट के लिए फेडरल की बुक्स को पढ़ने की, अब उतनी आपको ज़रूरत नहीं है। आप फेडरल की बुक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक मैंने पहले भी बताया था, उस पर वीडियो बनाई थी कि फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स और सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक्स, वो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि वो इतना उनके वाइड कॉन्सेप्ट है ना कि वो आप फेडरल से पढ़ेंगे तो ही आपके क्लियर होंगे। बाकी फेडरल को आपने उतनी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देनी जितनी आप पहले दे रहे थे जब उसका टेस्ट पीएमसी ले रही थी ओवरऑल, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे प्रैक्टिस का, कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अब यूएचएस के पास पेपर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जाहिर सी बात है अब यूएचएस आ गया है तो पास पेपर आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि पास पेपर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आ सकते हैं और आपको किस तरीके से करना चाहिए। यूएचएस के पास पेपर की, वैसे मैंने तो एक ऐप यूज़ की थी, लाइक उसमें यूएचएस के जो पास पेपर्स वगैरह थे बताए हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट 2017 तक थे। या आपको वैसे पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप किसी को कहे तो वो आपको सेंड कर देगा, लाइक पीडीएफ, या जो ग्रुप मैंने बताया हुआ था व्हाट्सएप का, उसमें से किसी बच्चे को कहेंगे तो आपको वो सेंड कर देगा। तो इसके अलावा दूसरी प्रैक्टिस बुक्स की अगर बात करें, या काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एंड वाले डेज में प्रैक्टिस कैसे करें, लाइक अब 1.5 महीने रह गया तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस पे या किस चीज़ पे। तो एंड वाले डेज में जो प्रैक्टिस मेनली करनी होती है ना, अगर आपकी पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आप FLPs पे ज़्यादा जोर दें, और जितने आप FLPs वगैरह एंड वाले डेज में सॉल्व कर सकते हो वह बेस्ट है, क्योंकि फिर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके बारे में ना क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में करना है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आप यूएचएस के पास पेपर ज़रूर करने, मस्ट टू डू वाली चीज़ है। अगर आप किप्स की बुक में भी देखें तो उसमें ना यूएचएस के पास पेपर ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो आपने वो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है यूएचएस के पास पेपर्स की। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अब आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा मैं पहले भी कहता हूँ कि अल्लाह से आपने अपना कनेक्शन बना के रखना है, बना के रखनी है। बात हर वीडियो में मैं इसलिए करता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आपने इन चीज़ों को नहीं भूलना, और आपने एंड वाले डेज में प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है। मेनली फोकस आप अपनी प्रिपरेशन पे रखें और अपने अल्लाह से कनेक्शन रखें, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें। लाइक स्टूडेंट के साथ ये नहीं कि बुरा बिहेवियर रखें कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, उसको चीज़ें काम की बताएं, तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखना। बाकी प्रैक्टिस वगैरह यहाँ से करें जो आपको बता दिया, और ये भी सीन बता दिया कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। शुक्रिया।